हेलो फ्रेंड्स, होममेड क्राफ्टिंग में आपका स्वागत है। देखिए, आज मैं ये पोंचो बनाकर लाई हूँ। देखिए, ये मैंने हुडी वाला पोंचो बनाया है, मिनी मिक्की माउस पोंचो। और ये पोंचो बनाया है मैंने 3 मंथ से लेकर 9 मंथ बेबी गर्ल्स के लिए। देखिए, ये देखने में देखिए बहुत ही सुंदर पोंचो लग रहा है। देखिए, इस तरह से मैंने ये मिनी माउस बनाया है यहाँ पर। ये इसकी ये बॉबी बनाई है मैंने यहाँ ऊपर, देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा है। अब आपको मैं इसका मेजरमेंट बता देती हूँ कि इसकी लंबाई कितनी रखी है मैंने। इस पोंचो की लेंथ रखी है मैंने 31 सेंटीमीटर। 31 सेंटीमीटर मैंने इसकी ये लेंथ रखी है। देखिए, अब मैं इसको बनाती हूँ पोंचो को। इसमें टोटल 160 ग्राम वूल लगी है, 160 ग्राम। देखिए, इसके लिए मैंने ये 3.5 मिलीमीटर का क्रोशिया हुक लिया है, इसी से मैं बनाऊंगी। देखिए, पिंक कलर लेने के बाद इस तरह से मैं नोट बांधूंगी। ये मैंने नोट बांध ली है। अब नोट बांधने के बाद मैं इसमें 64 चेन डालूंगी। 64 चेन इस तरह से डालना है। पूरी चेन इसी तरह से डालनी है। देखिए, इस तरह से मैंने ये चेन डाल दी है। 32 इधर है, 32 इधर है, टोटल हो गई है 64 चेन मैंने ये डाल दी है। अब देखिए, इसको मैं स्लिप स्टिच लेते हुए ज्वाइन कर दूंगी। इस तरह से ज्वाइन करना है। देखिए, इस तरह से यहाँ पर ज्वाइन करना है। इसको मैंने इस तरह से ज्वाइन कर दिया है। देखिए, इस तरह से आ गया है। एक ये फ्रंट में आएगा और एक ये बैक में आएगा, इस तरह से। अब देखिए, मैं इसमें डिज़ाइन डालती हूँ। हाफ करने के बाद डिज़ाइन डालती हूँ। 1 2 3 थ्री की चेन और डबल क्रोशिया। देखिए, इसी में ही डालना है चेन में। वन डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया। देखिए, ये हो गया टोटल 3 डबल क्रोशिया। फिर 1 2 की चेन और फिर नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशिया डालना है। 1 डबल क्रोशिया, नेक्स्ट चेन में भी डबल क्रोशिया को डालना है। देखिए, इस तरह से 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया और ये 3 डबल क्रोशिया। टोटल हो गई है 6 डबल क्रोशिया। अलग अलग चेन में मैंने ये 3 3 डबल क्रोशिया डाल दिए हैं। यहाँ पर भी मैं अलग अलग चेन में 3 3 डबल क्रोशिया डालूंगी। अब देखिए, मैं इसमें डिज़ाइन डालती हूँ। 1 चेन लेना है। अब देखिए, नेक्स्ट चेन को स्किप करना है और नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशिया डालना है। 1 डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट चेन में भी डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट चेन में भी 1 डबल क्रोशिया। इस तरह से मैंने ये मैंने 3 डबल क्रोशिया डाल दिए हैं। 1 चेन लेना है, फिर नीचे से 1 चेन को स्किप करना है और नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशिया डालना है। 1, नेक्स्ट चेन में भी डबल क्रोशिया, 2 और फिर नेक्स्ट चेन में भी डबल क्रोशिया। ये मैंने 3 डबल क्रोशिया डाल दिए हैं। 1 चेन लेना है और नीचे से भी 1 चेन को स्किप करना है, नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशिया डालना है। फिर नेक्स्ट चेन में भी डबल क्रोशिया, ये हो गए 2। फिर नेक्स्ट चेन में भी डबल क्रोशिया, ये हो गए 3 डबल क्रोशिया।
वन चेन लेना है, नीचे से वन चेन को स्किप करना है, नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशिया डालना है, नेक्स्ट चेन में फिर डबल क्रोशिया और फिर नेक्स्ट चेन में भी डबल क्रोशिया। इस तरह से मैं डिज़ाइन डाल रही हूँ और यहाँ तक मैं पूरा करूँगी। वन चेन लेना है और नीचे से वन चेन को स्किप करना है और नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशिया डालना है। अब वन चेन लेना है और यहाँ पर जहाँ पर मैंने ये मार्क लगाया है यहाँ पर डालना है 6 डबल क्रोशिया, 6 डबल क्रोशिया डालना है, 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया और ये 3 डबल क्रोशिया, फिर 1 2 की चेन और नेक्स्ट चेन में भी 3 डबल क्रोशिया डालना है, 1 2 और ये 3। देखिए अलग अलग चेन में मैंने ये 3 डबल क्रोशिया डाल दिए हैं। एक ये फ्रंट में आएंगे और एक ये बैक में आएंगे पोंचो के। देखिए ये चेन अगर बेबी के गले में छोटी आती है तो इसको आप बढ़ा सकते हैं, चेन को इंक्रीज कर सकते हैं, आप इंक्रीज कर सकते हैं। वन चेन लेना है, नीचे से वन चेन को स्किप करना है और नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशिया डालना है, नेक्स्ट चेन में भी डबल क्रोशिया और फिर नेक्स्ट चेन में भी डबल क्रोशिया। इस तरह से मैंने अलग अलग चेन में 3 डबल क्रोशिया डाल दिए हैं और यहाँ से मैंने वन चेन को स्किप किया था और ऊपर से मैंने वन चेन ली थी। देखिए जैसे मैंने ये इधर बुना है वैसे मैं इधर बुनूंगी, यहाँ तक बुनते हुए कंप्लीट करूँगी। वन चेन लेना है, नीचे से वन चेन को स्किप करना है, नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशिया डालना है, 1 2 और एक ये 3। ये मैंने 3 डबल क्रोशिया डाल दिए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 7 क्लस्टर इधर है और 7 ही मैंने इधर डाले हैं और बीच में डाले हैं मैंने ये 6 डबल क्रोशिया। अब वन चेन लेना है और नीचे से वन चेन को स्किप करना है और यहाँ पर स्लिप स्टिच लेते हुए ज्वाइन कर देना है। देखिए इस तरह से ये पोंचो का गला बनता हुआ आ रहा है, इस तरह से ये आएगा। ये मैंने इसमें डिज़ाइन डाल दिया है। देखिए मैं बुनती हूँ आगे को बुनना है। देखिए स्लिप स्टिच लेते हुए आगे को बढ़ाना है, इस तरह से आगे को बढ़ाना है। देखिए इस तरह से मैंने आगे को ये बढ़ा दिया है। अब 1 2 3 की चेन और डबल क्रोशिया, 1 डबल क्रोशिया और ये 2 डबल क्रोशिया, फिर 1 2 की चेन और इसी में डालना है 3 डबल क्रोशिया। टोटल हो गए हैं ये 6 डबल क्रोशिया। फिर वन चेन लेना है और देखिए यहाँ पर डालना है 3 डबल क्रोशिया, 1 2 और एक ये 3। इस तरह से मैंने ये 3 डबल क्रोशिया डाल दिए हैं। फिर वन चेन लेना है और 3 डबल क्रोशिया डालना है, 1 चेन 3 डबल क्रोशिया, 1 चेन 3 डबल क्रोशिया, इसी तरह से रो को कंप्लीट करना है। देखिए यहाँ पर भी डालना है 3 डबल क्रोशिया। देखिए 3 डबल क्रोशिया को मैंने यहाँ पर ये इंक्रीज कर दिया है और इधर भी मैंने 3 डबल क्रोशिया को इंक्रीज किया था, यहाँ पर भी यहाँ से इंक्रीज होते हुए पोंचो आगे को बढ़ेगा। वन चेन लेना है
और फिर यहाँ पे डालना है 6 डबल क्रोशिया, 1 2 और ये 3, फिर 1 2 की चेन और 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3, ये मैंने 3 डबल क्रोशिया डाल दिए हैं। अब 1 चेन लेना है और देखिए यहाँ पर मैं डबल क्रोशिया को इंक्रीज करूँगी, 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया और ये 3 डबल क्रोशिया। देखिए इधर भी मैंने इंक्रीज किया है और इधर भी। वन चेन और 3 डबल क्रोशिया। अब यहाँ पर भी मैं ये इंक्रीज कर रही हूँ डबल क्रोशिया को, 3 डबल क्रोशिया को। देखिए इस तरह से मैंने ये इंक्रीज कर दिया है यहाँ पर 1 चेन, और यहाँ पर अब स्लिप स्टिच लेते हुए ज्वाइन कर दूंगी। इस तरह से मैंने ज्वाइन कर दिया है। ये मैंने स्लिप स्टिच लेते हुए आगे को बढ़ा दिया है और देखिए इस तरह से ये पोंचो बनता हुआ आ रहा है। देखिए पोंचो यहीं से ही आगे को बढ़ेगा, आगे को बढ़ना है यहाँ से बढ़ेगा। आगे को बढ़ता जाएगा। वन टू थ्री, 3 की चेन और डबल क्रोशिया, 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, फिर 1 2 की चेन और 3 डबल क्रोशिया, 1 2 और ये 3। देखिए टोटल हो गए हैं ये 6 डबल क्रोशिया, 6 डबल क्रोशिया मैंने ये डाल दिए हैं। अब 1 चेन लेना है, देखिए यहाँ पर मैं अब 3 डबल क्रोशिया को इंक्रीज करूंगी यहाँ पे, 1 2 और ये 3 डबल क्रोशिया को मैंने इंक्रीज कर दिया है। और फिर मैं नेक्स्ट रो में यहाँ पर करूंगी इंक्रीज, इसी तरह से ये बढ़ता जाएगा, इंक्रीज करते हुए बढ़ता जाएगा आगे को पोंचो। अब देखिए यहाँ पर भी मैं इंक्रीज कर रही हूँ डबल क्रोशिया को, 1 2 3, फिर 1 चेन और यहाँ पे डालना है 6 डबल क्रोशिया, 6 डबल क्रोशिया डाल दिए हैं। 1 चेन लेना है और यहाँ पर भी मैं 3 डबल क्रोशिया को इंक्रीज करूँगी, 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया और ये 3 डबल क्रोशिया। देखिए दोनों तरफ मैंने ये इंक्रीज कर दिए हैं, फिर यहाँ पर ये इंक्रीज होने हैं, इंक्रीज यहाँ पर भी होने हैं। आगे को इसी तरह से बढ़ता जाएगा पोंचो, आगे को बढ़ाना है पोंचो को। और देखिए इसमें ये मैंने ओस वाल की बूल लगाई है, ओस वाल की बूल, इसी तरह से आगे को बढ़ाना है पोंचो को। देखिए इस तरह से मैंने ये 3 डबल क्रोशिया 1 चेन डालते हुए इस रो को भी कंप्लीट कर दिया है। अब देखिए मैं स्लिप स्टिच लेते हुए यहाँ पर ज्वाइन कर दूँ, इस तरह से मैंने इसको ज्वाइन कर दिया है। अब आगे को बढ़ाना है इस तरह से स्लिप स्टिच लेते हुए, इस तरह से देखिए 3 डबल क्रोशिया 1 चेन, 3 डबल क्रोशिया 1 चेन और बीच में ये 6 डबल क्रोशिया डाले हैं और 2 की चेन। इस तरह से आगे को बढ़ा दिया है मैंने पोंचो को। देखिए
अब इसमें देखिए मैं कलर चेंज करती हूँ, वाइट कलर लगाती हूँ। इस तरह से लगाना है वाइट कलर को। वन टू और ये थ्री, थ्री की चेन और डबल क्रोशिया, वन डबल क्रोशिया और ये टू डबल क्रोशिया, फिर वन टू, टू की चेन, थ्री डबल क्रोशिया, इस तरह से मैंने ये सिक्स डबल क्रोशिया डाल दिए। अब वन चेन लेना है और थ्री डबल क्रोशिया डालना है। वन चेन और थ्री डबल क्रोशिया। वन चेन और थ्री डबल क्रोशिया। देखिए इसी तरह से रो को कंप्लीट करना है। वन चेन थ्री डबल क्रोशिया, वन टू और ये थ्री। अब वन चेन, अब मैं इसको यहाँ पर स्लिप स्टिच लेते हुए ज्वाइन कर देती हूँ। इस तरह से मैंने इसको ज्वाइन कर दिया है, देखिए जोड़ दिया है। स्लिप स्टिच लेते हुए आगे बढ़ाना है इस तरह से। ये रो भी मैंने अब कंप्लीट कर दी है। देखिए इस तरह से, देखिए इधर से भी इस तरह से ये आई। अब इसमें मैं ये ब्लैक कलर लगाती हूँ। टू और ये थ्री, थ्री की चेन और डबल क्रोशिया। वन डबल क्रोशिया और ये टू डबल क्रोशिया, टोटल हो गए हैं चेन को मिलाकर थ्री डबल क्रोशिया, फिर वन टू, टू की चेन और थ्री डबल क्रोशिया। देखिए ये सिक्स डबल क्रोशिया भी हो गए हैं, फिर वन चेन और थ्री डबल क्रोशिया। वन चेन फिर थ्री डबल क्रोशिया, वन चेन और थ्री डबल क्रोशिया, वन टू और ये थ्री, फिर वन चेन। अब देखिए मैं इसको यहाँ पर स्लिप स्टिच लेते हुए ज्वाइन कर दूंगी। तरह से मैंने इसको ज्वाइन कर दिया है। अब स्लिप स्टिच लेते हुए आगे बढ़ाना है इस तरह से, और ये रो भी मैंने अब कंप्लीट कर दी है। इस तरह से ये आ गई है ये रो बनकर। अब इसमें मैं व्हाइट कलर लगाती हूँ। व्हाइट कलर लगाना है। वन टू थ्री,
थ्री की चेन और डबल क्रोशिया, और एक ये टू, ये हो गए हैं थ्री डबल क्रोशिया। फिर वन टू, टू की चेन और थ्री डबल क्रोशिया। कि मैंने ये सिक्स डबल क्रोशिया डाल दिए हैं, सिक्स डबल क्रोशिया डाल दिए हैं, वन चेन और थ्री डबल क्रोशिया। इसी तरह से रो को कंप्लीट करूंगी। वन चेन और थ्री डबल क्रोशिया डालते हुए, वन चेन और थ्री डबल क्रोशिया। वन चेन और थ्री डबल क्रोशिया, वन चेन, और यहाँ पर ज्वाइन कर देना है स्लिप स्टिच लेते हुए। स्लिप स्टिच लेते हुए आगे बढ़ाना इस तरह से। अब देखिए इसमें पिंक कलर लगाना है। ये रो भी मैंने कंप्लीट कर दी है, इस तरह से ये आ गई है। देखिए इस तरह से मैंने ये स्लिप स्टिच लेते हुए आगे को बढ़ा दिया है। अब इसमें मैं ये पिंक कलर लगाती हूँ। वन टू थ्री, थ्री की चेन और डबल क्रोशिया। वन टू, टू की चेन और थ्री डबल क्रोशिया। ये हो गए हैं सिक्स डबल क्रोशिया, वन चेन, और थ्री डबल क्रोशिया। इसी तरह से रो को कंप्लीट करना है। वन चेन, अब मैं इसको यहाँ पर ज्वाइन कर देती हूँ स्लिप स्टिच लेते हुए। स्लिप स्टिच लेते हुए आगे बढ़ाना है इस तरह से कि ये रो भी मैंने अब कंप्लीट कर दी है। देखिए इस तरह से ये पोंचो बनता हुआ आ रहा है। अब इसका मैं बॉर्डर बनाती हूँ, लास्ट रो बनाती हूँ। तो बॉर्डर बनाना है अब इसका, इस तरह से बनाना। वन टू थ्री, थ्री की चेन और डबल क्रोशिया। इसमें मैं एट डबल क्रोशिया डालूँगी। ये हो गए टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन और एक ये एट। इसमें मैंने ये एट डबल क्रोशिया डाल दिए हैं। अब यहाँ पर इस तरह से सिंगल क्रोशिया लेना है। सिंगल क्रोशिया ले लिया है मैंने यहाँ पर। अब नेक्स्ट चेन में यहाँ पर एक डबल क्रोशिया डालना है। टू, थ्री, फोर, ए डबल क्रोशिया मैंने ये डाल दिए हैं। अब फिर यहाँ पर सिंगल क्रोशिया लेके बुनना है इस तरह से। यहाँ पर सिंगल क्रोशिया डालना है इस तरह से, और फिर यहाँ पर ए डबल क्रोशिया डालना। ये एट, देखिए एट डबल क्रोशिया। अब फिर यहाँ पर सिंगल क्रोशिया इस तरह से, एट एट डबल क्रोशिया डालते हुए रो को कंप्लीट करना है। लास्ट रो बना रही हूँ इसकी मैं,
सेवन और एक ये एट, एट डबल क्रोशिया मैंने ये डाल दिए। अब यहाँ पर सिंगल क्रोशिया लेना है इस तरह से, और फिर यहाँ पर इसको ज्वाइन करना है। इस तरह से मैंने इसको ये ज्वाइन कर दिया है। अब ये लास्ट रो भी मैंने कंप्लीट कर दी है, इसका बॉर्डर अब मैंने ये कंप्लीट कर दिया है। इस तरह से ये मैंने नीचे से बॉर्डर कंप्लीट कर दिया है। देखिए देखिए, मैं यहाँ पर उसकी हुडी बना देती हूँ। हुडी को बनाना है, हुडी बनाना है, तो मैं हुडी को बनाती हूँ। देखिए अब हुडी को बनाती हूँ मैं। देखिए वन टू थ्री, थ्री को छोड़कर यहाँ से फोर्थ चेन से बनाना है हुडी को। वन टू और ये थ्री, थ्री की चेन और डबल क्रोशिया, वन डबल क्रोशिया और एक ये टू डबल क्रोशिया। देखिए टोटल हो गए हैं ये थ्री डबल क्रोशिया। फिर वन चेन, और थ्री डबल क्रोशिया, वन चेन और थ्री डबल क्रोशिया। वन चेन, तो देखिए यहाँ पर मैं इंक्रीज करूँगी थ्री डबल क्रोशिया को। वन टू और ये थ्री, देखिए यहाँ पर मैंने इंक्रीज कर दिया है। वन चेन और थ्री डबल क्रोशिया। वन चेन, थ्री डबल क्रोशिया। चेन और थ्री डबल अब यहाँ पर मैं इंक्रीज करूँगी। देखिए इंक्रीज कर दिया है मैंने। वन चेन, थ्री डबल क्रोशिया। चेन, थ्री डबल क्रोशिया। देखिए वन टू थ्री, इधर से भी मैंने थ्री छोड़ दिया है, इधर से भी छोड़े थे वन टू थ्री, और इधर से वन टू थ्री। इस तरह से अब ये फर्स्ट रो आ गई है हुडी की। देखिए हुडी की फर्स्ट रो आ गई है। मैंने यहाँ पर इंक्रीज कर दिया है थ्री डबल क्रोशिया को यहाँ पर। ऊपर को इसी तरह से बुनना है थ्री थ्री डबल क्रोशिया। वन टू थ्री फोर, फोर की चेन
और 3 डबल क्रोशिया। यहाँ पर मैंने शुरू में 4 की चेन बनाई, फिर 1 चेन 3 डबल क्रोशिया। यहाँ पर डालना है सिंगल डबल क्रोशिया इस तरह से। देखिए ये रो भी अब मैंने सेकेंड रो कंप्लीट कर दी है। देखिए इस तरह से ये हुडी बनती हुई आ रही है और ऊपर को इसी तरह से बुनना है 3 डबल क्रोशिया 1 चेन 3 डबल क्रोशिया 1 चेन हुडी में। इसी तरह से आगे को बुनना है हुडी को। देखिए इस तरह से मैंने हुडी को इतना बड़ा बना दिया है। इसकी लेंथ रखी है मैंने 22 सेंटीमीटर है इसकी ये लेंथ यहाँ से यहाँ तक। देखिए मैं आगे का बॉर्डर बनाती हूँ और यहाँ से इसको बंद कर देती हूँ। यहाँ से हुडी को बंद कर देना है, क्रोशिया से सिल देना है कि अब यहाँ से मैं इसको क्रोशिया से सिल देती हूँ। इधर से भी चेन लेना है और इधर से भी। इस तरह से इसको देखिए इस तरह से ये सिलता हुआ आ रहा है। इस तरह से इधर से भी चेन में लेना है और इधर से। अब देखिए हुडी को मैंने ये सिल दिया है। इस तरह से अब हुडी को मैंने ये ऊपर से सिल दिया है। अब देखिए आगे से मैं इसका बॉर्डर बना देती हूँ। देखिए अब मैं हुडी का बॉर्डर बनाती हूँ आगे से। जैसे मैंने ये यहाँ पर बनाया है 2 वाइट की 1 ब्लैक की, इसी तरह से मैं यहाँ पर बनाऊंगी। यहाँ पर बनाना है तो इस तरह से हम इसको बनाते हैं। यहाँ से बनाना है, आगे का बॉर्डर बनाना है तो देखिए इसे 1 चेन और यहाँ पे डालना है डबल क्रोशिया 3 डबल क्रोशिया 1 2 और 1 3। देखिए इस तरह से मैंने ये 3 डबल क्रोशिया डाल दी है। फिर 1 चेन लेना है और यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया डालना है 1 2 और 3। देखिए फिर 1 चेन और 3 डबल क्रोशिया। वन टू और 3। 1 चेन और 3 डबल क्रोशिया। वन
टू और ये एक ये थ्री। ठीक है, इसी तरह से वन चेन और थ्री डबल क्रोशिया डालते हुए यहाँ तक कंप्लीट करना है, यहाँ तक कंप्लीट करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक वन चेन और थ्री डबल क्रोशिया, वन टू और ये थ्री। देखिए यहाँ पर इस तरह से ज्वाइन कर देना है। देखिए इस तरह से मैंने ये फर्स्ट रो कंप्लीट कर दी है। देखिए इस तरह से आई है ये फर्स्ट रो बनकर। देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने ये फर्स्ट रो अब कंप्लीट कर दी है। अब देखिए मैं इसकी सेकंड रो बनाती हूँ। सेकंड रो बनानी है तो इधर से मैं सेकंड रो बनाती हूँ, इधर से यहाँ से बनानी है। वन चेन और डबल क्रोशिया, यहाँ पे डालना है सिंगल डबल क्रोशिया, वन टू और ये थ्री। देखिए इस तरह से मैंने ये थ्री डबल क्रोशिया डाल दिए हैं, फिर वन चेन और थ्री डबल क्रोशिया। इसी तरह से वन चेन और थ्री डबल क्रोशिया डालते हुए रो को कंप्लीट करना है, वन चेन और थ्री डबल क्रोशिया। इस तरह से आएंगे ये थ्री डबल क्रोशिया, वन चेन थ्री डबल क्रोशिया। अब इस तरह से यहाँ पर मैं इसको ज्वाइन कर देती हूँ, इस तरह से यहाँ पर ज्वाइन कर देना। ये धागे को यहीं पर मैं कट कर देती हूँ। इस तरह से मैंने ये सेकंड रो भी कंप्लीट कर दी है। देख इस तरह से मैंने ये सेकंड रो कंप्लीट कर दी है। अब इसमें मैं व्हाइट कलर लगाती हूँ इस तरह से, वन चेन और थ्री डबल क्रोशिया, वन टू और एक ये थ्री। देख ये मैंने थ्री डबल क्रोशिया डाल दिए है यहाँ पर, फिर वन चेन लेना है और थ्री डबल क्रोशिया डालना है, वन चेन थ्री डबल क्रोशिया, वन चेन थ्री डबल क्रोशिया, वन चेन और थ्री डबल क्रोशिया, टू और ये थ्री। इसी तरह से रो को कंप्लीट करना है। इस तरह से अब मैंने ये सेकंड रो भी कंप्लीट कर दी है। अब इसको यहाँ पर मैं ज्वाइन कर देती हूँ, यहाँ पर ज्वाइन कर देना है। देखिए यहाँ पर मैं ज्वाइन कर दूँगी। इस तरह से ज्वाइन कर दिया है। देखिए इस तरह से मैंने ये तीसरी रो भी कंप्लीट कर दी है। देखिए यहाँ से ये इस तरह से आई है और इधर से भी ये इस तरह से आई है। अब देखिए इसमें मैं पिंक कलर लगाती हूँ। पिंक कलर लगाना है अब, और पिंक कलर की मैं टू रो बनाऊंगी। टू रो बनानी है पिंक कलर से। देखिए अब मैं बनाती हूँ यहाँ से, वन और एक ये टू। देखिए टू की चेन और डबल क्रोशिया, वन डबल क्रोशिया, टू डबल क्रोशिया,
और ये 3 डबल क्रोशिया। देखिए देखिए ये मैंने 3 डबल क्रोशिया डाल दिए हैं और बन चेन ले ली है। अब मैं इसमें 3 डबल क्रोशिया डालूंगी, 1 2 और ये 3। फिर 1 चेन 3 डबल क्रोशिया। इसी तरह से 3 डबल क्रोशिया और 1 चेन लेते हुए रो को मैं कंप्लीट करूँगी। 1 चेन और 3 डबल क्रोशिया। इस तरह से ये रो भी मैंने कंप्लीट कर दी है। 3 डबल क्रोशिया और 1 चेन। देखिए यहाँ पर मैं ज्वाइन कर देती हूँ, इस तरह से ज्वाइन करना है। देखिए ज्वाइन कर दिया है। अब 1 चेन और 1 सिंगल क्रोशिया, 1 सिंगल क्रोशिया लेते हुए बुनना है। अब इसकी ये मैं लास्ट रो बना रही हूँ, 1 सिंगल क्रोशिया बुनना है। इस तरह से मैंने ये 1 सिंगल क्रोशिया डालते हुए रो को कंप्लीट कर दिया है। अब इसको मैं यहाँ पर स्लिप स्टिच लेते हुए ज्वाइन कर देती हूँ। यहाँ पर इस तरह से ज्वाइन कर दिया है मैंने। देखिए इस तरह से ये पोंचो और हुडी बन गई है। देखिए इस तरह से ये हुडी बनकर आ गई है। देखिए इधर से इस तरह से ये आई। अब देखिए मैं इसमें यहाँ पर डोरी डालूंगी और यहाँ पर मैं मिनी माउस बनाऊंगी। मिक्की माउस बनाना है यहाँ पर लगाने के लिए, तो मैं इसको बनाती हूँ। अब मिनी मिक्की माउस बनाती हूँ हमें। देखिए सबसे पहले ये मैजिक रिंग बनाऊंगी। इस तरह से मैंने ये मैजिक रिंग बना ली है। अब इसमें 3 की चेन बनाऊँगी मैं, 1 2 और ये 3। ये मैंने 3 की चेन बना ली है। अब इसमें मैं डबल क्रोशिया डालूंगी। इस तरह से ये मैंने डबल क्रोशिया डाल दिए हैं और पूरी रिंग में मैं 12 डबल क्रोशिया डालूंगी। ये हो गए हैं 3 डबल क्रोशिया। चेन को भी मैंने डबल क्रोशिया में काउंट किया है, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। इसमें मैंने ये 12 डबल क्रोशिया डाल दिए हैं पूरी रिंग में। अब इस तरह से मैं रिंग को टाइट कर देती हूँ। ये मैंने रिंग को टाइट कर दिया है। अब मैं इसको स्लिप स्टिच लेते हुए ज्वाइन कर देती हूँ। यहाँ पर इस तरह से ज्वाइन करना है। ये मैंने ज्वाइन कर दिया है। इस तरह से ये रिंग बन गया है। देखिए इसमें मैंने ये 12 डबल क्रोशिया डाल दिए हैं रिंग में। अब इसमें मैं डालूँगी 24 डबल क्रोशिया, 1 2 3, 3 की चेन और डबल क्रोशिया। इसमें मैं डबल क्रोशिया को इंक्रीज कर रही हूँ, बढ़ा रही हूँ, तो डालने हैं 24 डबल क्रोशिया। 1 चेन में 2 डबल क्रोशिया डालने हैं, 1 डबल क्रोशिया 2 डबल क्रोशिया। फिर नेक्स्ट चेन में भी 1 डबल क्रोशिया और ये 2 डबल क्रोशिया। देखिए इसमें हो गए हैं ये 24 डबल क्रोशिया मैंने ये डाल दिए हैं।
अब इसको मैं स्लिप स्टिच लेते हुए ज्वाइन कर देती हूँ। इस तरह से मैंने इसको ये ज्वाइन, देखिए इस तरह से मैंने ये ज्वाइन कर दिया। ज्वाइन मैंने कर दिया इस तरह से, ये मिक्की माउस बनता हुआ आ रहा है सर्कल। अब देखिए मैं इसकी नेक्स्ट रो बनाती हूँ, 1 2 3 की चेन और डबल क्रोशिया, 1 डबल क्रोशिया और 2 डबल क्रोशिया, फिर 1 डबल क्रोशिया, नेक्स्ट चेन में 2 डबल क्रोशिया। अब देखिए थर्ड रो में डालूंगी मैं 36 डबल क्रोशिया, 36 डबल क्रोशिया इसमें डालने हैं। 1 डबल क्रोशिया, नेक्स्ट चेन में 2 डबल क्रोशिया, 1 डबल क्रोशिया, नेक्स्ट चेन में 2 डबल क्रोशिया, 1 डबल क्रोशिया, नेक्स्ट चेन में 2 डबल क्रोशिया। इसी तरह से डबल क्रोशिया डालते हुए 36 डबल क्रोशिया डाल लें। इस तरह से मैंने इसमें ये 36 डबल क्रोशिया डाल दिए हैं। अब देखिए मिक्की माउस के कान बनाने हैं यहाँ पर, तो देखिए इस तरह से बनाने हैं, 1 2 3, 3 की चेन और डबल क्रोशिया, 1 2 3 4 5 6 7 8। देखिए ये मैंने 1 डबल क्रोशिया डाल दिए हैं, चेन को मिलाकर हो गए हैं ये 9, और फिर मैं लास्ट में 3 की चेन बनाऊंगी, 2 और एक ये 3 की चेन, और इसी में इस तरह से स्लिप स्टिच लेते हुए ज्वाइन करना है। देखिए इस तरह से मैंने ये मिक्की माउस के ईयर बना दिया है, एक कान बना दिया है, दूसरा और बनाना है। अब सिंगल क्रोशिया लेते हुए आगे को बढ़ाऊंगी, 1 2 3 4 5 और ये 6। देखिए अब मैं 3 की चेन बनाऊंगी, 1 2 3, 3 की चेन, और इसमें मैं 1 डबल क्रोशिया डालूंगी चेन के बाद, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। 8 डबल क्रोशिया मैंने ये डाल दिए हैं, 1 2 3 की चेन, और यहाँ पर ज्वाइन कर देना है इस तरह से सिंगल क्रोशिया लेते हुए। देखिए इस तरह से मैंने ये दोनों कान बना दिए हैं। अब मैं देखिए सिंगल क्रोशिया लेते हुए रो को कंप्लीट करूँगी, यहाँ पर सिंगल क्रोशिया डालना इस तरह से, पूरे रिंग में सिंगल क्रोशिया डालते हुए बुनना है। अब यहाँ पर स्लिप स्टिच लेते हुए ज्वाइन कर देना है और धागे को कट कर देना इस तरह से। देखिए मैंने मिनी मिक्की माउस अब बना लिया है।
अब देखिए मैं इसमें लगाने के लिए बो बना देती हूँ। तो देखिए मैं बनाती हूँ, बो को बनाना है तो इस तरह से मैं बनाऊंगी। वन टू थ्री और ये फोर, फोर की चेन। देखिए मैं इसमें ट्रिपल क्रोशिया डालूंगी, तो इस तरह से डालना है ट्रिपल क्रोशिया। और देखिए फोर्थ चेन में डालना है, ये मैंने ट्रिपल क्रोशिया लिया और फोर्थ चेन में डाला इस तरह से। वन टू और एक ये थ्री, फिर से मैंने ट्रिपल क्रोशिया लिया और इसी चेन में डाला। वन टू और एक ये थ्री, फिर से मैंने ट्रिपल क्रोशिया लिया और इसमें मैंने डाला चेन में। वन टू और ये थ्री, देखिए फिर वन टू थ्री, थ्री की चेन और इसमें डालना है चेन में स्लिप स्टिच लेते हुए इस तरह से। देखिए इस तरह से मैंने ये बना दिया है। अब वन टू थ्री और ये फोर, फोर की चेन और फिर से ट्रिपल क्रोशिया बुनना है, इसमें ही डालना है चेन में यहाँ पर। वन टू थ्री, फिर से ट्रिपल क्रोशिया लेना है और बुनना है। वन टू ये थ्री, फिर से ट्रिपल क्रोशिया लेना है और बुनना है। वन टू और ये थ्री, फिर वन टू और ये थ्री, थ्री चेन और यहाँ पर स्लिप स्टिच लेते हुए ज्वाइन कर देना। देखिए इस तरह से मैंने ये बो को बना दिया है, इस तरह से बन गई है ये। अब देखिए मैं धागे को कट कर देती हूँ, धागे को कट कर देना है। ये धागे को मैंने कट कर दिया है, अब यहाँ पर इस तरह से इसको लपेट देना है। देखिए बो पर लपेटना है इस तरह से, टू थ्री फोर फाइव सिक्स। देखिए लपेटने के बाद यहाँ पर इस तरह से नोट लगा देना है पीछे से। अब इस तरह से ये वो बन गई है। अब यहां पर मैं इसको लगा देती हूँ, मिनी मिक्की माउस को भी लगा देती हूँ और ये बो को भी लगा देती हूँ पोंचो में। देखिए अब मैं लगा देती हूँ। इस तरह से मैंने अब इसको अटैच कर दिया है। अब अटैच करने के बाद अब मैं इसको सुई से सिल देती हूँ, सुई से सिल देना है। देखिए इस तरह से मैंने इसको सिल दिया है।
इस तरह से मैंने इसको अच्छे से सिल दिया है। अब मैं इस पर बो भी लगा देती हूँ, बो को भी सिल देती हूँ। अब अच्छे से मैंने भो को लगा दिया है। देखिए, ये भो को मैंने लगा दिया है। अब धागे को मैं कट कर देती हूँ। अब देखिए, मैं इसमें डोरी डालती हूँ। भो लगाने के बाद मैं इसमें डोरी डाल देती हूँ। डोरी डालना है अब, तो मैं डोरी बना देती हूँ। डोरी बना देती हूँ। पूरी डोरी इसी तरह से बनानी है। ये डोरी तो मैंने अभी बना ली है, इस तरह से आई है डोरी बनकर। डोरी बनाने के बाद अब मैं पोम-पोम बनाऊंगी डोरी में लगाने के लिए। तो मैं पोम-पोम बनाती हूँ। देखिए, ये मैंने थ्री धागे लिए हैं पोम-पोम बनाने के लिए। अब मैं पोम पोम को बनाती हूँ। देखिए, इस तरह से मैंने ये दोनों पोम-पोम बना लिए हैं। अब मैं देखिए डोरी डाल देती हूँ और इसमें लगा देती हूँ। डोरी आप अपने अनुसार बना सकते हैं, जितनी आपको लंबी चाहिए इतनी डोरी आप बना सकते हैं। पोंचों में डोरी को अब मैं डालती हूँ। इस तरह से डालना है डोरी को यहाँ से। किस तरह से मैंने ये पोंचों में डोरी डाल दी है। अब इसमें मैं पोम-पोम बांध देती हूँ। ये दोनों पोम-पोम में बांध देती हूँ। इस तरह से बांध देना है पोम-पोम को।
देखिए इस तरह से मैंने ये डोरी भी डाल दी है, पोम पोम लगा दिए हैं। अब ये पोंचो कंप्लीट हो गया है। ये देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा है। अगर आपको ये वीडियो मेरी पसंद आई तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को भी आप सब्सक्राइब करें। थैंक यू।